टाक्शी एंड वाचिंग टाक्षी वासे टाइल चैनल कैसे हो आप सब लोग होप्स हो गया आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप लोग इतने दिन से मेरे से बोल रहे थे कि दी आपका फेवरेट ऑयल कौन सा है बताइए तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ फेवरेट ऑयल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ यूज़ कर चुकी हूँ और कौन सा मुझे कैसा लगा सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट फ्रेंड जितने भी और मैं आपको बताने वाली हूँ सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं mm -hmm. फ्रेंड फर्स्ट है पैराशूट कोकोनट ऑयल एंड आई एम श्योर sure ये हर किसी के घर में होगा ये होगा मेरी मम्मी ये यूज़ करती हैं और इवन मैंने अपनी दादी को भी ये वाला जो ऑयल है यूज़ करते हुए देखा है तो बरसों से ये वाला जो ऑयल है हमारे घर में यूज होता हुआ आ रहा है और बचपन में मम्मी ने इस ऑयल से या मस्टर्ड ऑयल से मेरे बालों में बहुत ज़्यादा चंपी की है एंड ये हंड्रेड प्योर कोकोनट ऑयल रहता है और प्राइस वाइज सुपर अफोर्डेबल रहता है तो आप इस टाइप के कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है वैसे तो करी करा ही होगा इस कोकोनट ऑयल को यूज़ आपने एंड इसको आप मल्टीपल ऑयल के साथ मिलाकर एक परफेक्ट ब्लेंड भी बना सकते हैं इवन जब भी मुझे कोई हेयर ऑयल बनाना होता है तो मैं जो बेस ऑयल लेती हूँ वो कोकोनट ऑयल ही लेती हूँ फ्रेंड्स अगर आपको नॉन स्टिकी कोकोनट ऑयल चाहिए तो आप पैराशूट का जैस्मिन नॉन स्टिकी कोकोनट हेयर ऑयल ले सकते हैं ये भी अफोर्डेबल वाली कैटेगरी में आता है और इसमें आपको थोड़ी जैस्मिन की फ्रेगनेंस आती है बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस रहती है और ये नॉन स्टिकी रहता है आपके बालों को चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं करता है तो आप ये वाला हेयर ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल जिसको बोला जाता है सरसों का तेल सरसों का तेल जितना भी प्योर हो आपके बालों के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है ये सरसों के दानों से निकाला जाता है एंड मेरी मम्मी ने या तो बचपन में मेरे हेयर में चंपी की है नारियल के तेल से तो? नहीं तो की है सरसों के तेल से जिसके गुड रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरे बालों में और बचपन में मैं चंपी बिल्कुल भी नहीं कराती थी बहुत नालायक लड़की थी फिर भी मम्मी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मेरे बालों में चंपी करती थी और मुझे अब लगता है कि हाँ मुझे करा लेनी चाहिए थी जिससे कि मेरे बाल अब भी आप देख सकते हो बहुत कम गिरते हैं प्लस इनकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी होती है मतलब तो जब आपको बचपन से ही उस टाइप की चम्पी मिली हो आपके हेयर फॉलिकल्स को उस टाइप का नरिशमेंट मिला हो तो आपके जो हेयर हैं वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होते हैं प्लस जल्दी ग्रो करने लगते हैं तो वही आदत अभी मुझे बैठ गई या तो मैं सरसों के तेल से चंपी करती हूँ या फिर नारियल के तेल से चंपी करती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट है बादाम शरीन ऑयल ये एस वाला जो ऑयल है बहुत ही अच्छा होता है थोड़ा गर्म होता है इसलिए आप इसको अपने इस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको आप या तो कोकोनट ऑयल में मिलाकर लगा लीजिए या फिर कोई भी आपके फेवरेट ऑयल में मिलाकर आप लगा सकते हैं है। आपको क्या करना है कोकोनट ऑयल लेना है उसमें तीन चार बूंद बादाम ऑयल की डालनी है देन अपने बालों में चंपी कर सकते हैं इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है प्लस आपके जो सर है उसके हेयर फॉलिकल है वो मजबूत होंगे और ये हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है मेरी मम्मी इसको सर पर तो लगाती लगाती थी प्लस मेरी आईब्रोज पर भी लगाती थी जिससे कि थोड़ा दिमाग तेज़ हो जाए ऐसा उनको लगता था पता नहीं तेज़ हुआ है या नहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट है जेमिकिन ब्लैक कैस्टर हेयर ऑयल फ्रॉम मॉर्फी रेमेडीज़ इसका जो प्राइस है फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ है ये वाला जो हेयर ऑयल है एक परफेक्ट ब्लेंड है आपको इसमें मल्टीपल ऑयल मिल जाते हैं इसमें कैस्टर ऑयल के साथ साथ और भी ऑयल अवेलेबल है जो कि आपके हेयर लेंथ को प्रमोट करता है प्लस जो हेयर फॉलिकल है उसको स्ट्रेंथ करता है हेयर फॉल को रिड्यूस करता है ये वाला जो हेयर ऑयल है मुझे काफ़ी पसंद है और इसका जो प्राइस है फोर नाइन्टी नाइन है अगर आपको अफोर्डेबल वाला केस्टर ऑयल वाल चाहिए तो आप इस टाइप का कैस्टर ऑयल है वो परचेज़ कर सकते हैं जो कि मेडिकल पर आपको ईजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स ऑयल की बात हो रही है तो वाओ को कोई कैसे भूल सकता है नेक्स्ट है वाओ का ब्लैक सीड अनियन हेयर ऑयल ये वाला जो हेयर ऑयल है केमिकल फ्री है इसमें पैराबिन सल्फेट नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आप चाहते हो आपके जो बाल हैं फिर से आ जाएं या फिर आपको बालनेस या फिर कहीं कहीं से आपके बाल जा रहे हैं तो ये वाला जो हेयर ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं और इसका जो प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी ये वाला जो हेयर ऑयल है आप डेली बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अनियन की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है तो आप इस टाइप के हेयर ऑयल को भी प्रीफर कर सकते हैं जो कि नॉन स्टिकी होते हैं प्लस इसमें अनियन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है नेक्स्ट जो हेयर ऑयल है वो है वाव का आंवला हेयर ऑयल ये इनका न्यूली लॉन्च है इसके साथ आपको इस टाइप का कॉम्ब एप्लीकेटर भी मिल जाता है जिससे कि आप अपने बालों में खुद ऑयलिंग कर सकते हैं एंड जो तेल है आपकी जड़ों तक खुद जाता है ये वाला जो हेयर ऑयल है अगर आपका ड्राई स्काल्प है इची स्काल्प है लिम्पी हेयर है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है तो आप वाओ का आंवला हेयर ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं येस फ्रेंड दैट्स इट फॉर द वीडियो मैंने तो अपने फेवरेट ऑयल आपको बता दी आप भी बता सकते हो कि आप कौन सा ऑयल अपने बालों में लगाते हो और किस ऑयल का आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है जिससे क्या होता है ना दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम बार बार मिलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय स्टे सेफ टेक केयर